चैनल में आपका स्वागत है और आज हम जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना जिसका शीर्षक है देवसेना का गीत, उसके शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य और इस पर आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अंतरा पाठ्य पुस्तक से जयशंकर प्रसाद जी का एक गीत जिसका शीर्षक है देवसेना का गीत। ये गीत है और हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। सतृष्ण यानी तृष्णा के साथ, वेदना का अर्थ है पीड़ा, विदाई का अर्थ है अलग होना, संचित यानी जमा किया हुआ, मधुकरियों यानी भीख भिक्षा, श्रमकण यानी पसीने की बूंदें, नीरवता अर्थात सन्नाटा, अनंत यानी जिसका कोई अंत ही ना हो, श्रमित स्वप्न यानी मेहनत से जो सजाया गया हो, मधुमाया का अर्थ मिठास, गहन विपिन यानी घना जंगल, विहाग यानी आधी रात को गाया जाने वाला एक राग, दीठ यानी आंखें, बावली यानी बावरी पागल, हारी होड़ लगाई यानी हारी हुई बाजी लगाना और थाती कहते हैं विरासत को। अब इसका संदर्भ है उसे देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के पद्य खंड से ली गई है। इसके रचनाकार छायावाद के महत्वपूर्ण कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। और प्रसंग देखिए, प्रसंग में जरा गौर फरमाइएगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यह एक नाटक से लिया गया गीत है। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद जी के नाटक स्कंद गुप्त से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। हूणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में आ गया था। बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को उनके साथ होने वाले युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए है। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त तो मालवा के एक धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखा करते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहते हैं, किंतु देवसेना तब तक पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगने का काम करते हुए महादेवी की समाधि को परिष्कृत करने का काम करती है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय करने पर भी जब वह तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। और अब करते हैं व्याख्या। देवसेना गीत गा रही है और अपने मन की व्यथा को इस तरह व्यक्त कर रही है। वह कहती है, अरे दुख, मैंने जीवन के सभी पक्षों से विदा पाली है। मैं भ्रम में पड़ी हुई थी, इसलिए जो कुछ भी मैंने भिक्षा के तौर पर जीवन भर जोड़ा था उसे भी मैंने भीख की तरह ही लुटा दिया है। दूसरे पद में वो कहती हैं, जीवन की संध्या अर्थात जीवन की अंतिम अवस्था के माथे पर अब पसीने की बूंदें छलछला रही हैं और जिस तरह आंखों से आंसू झरा करते हैं उसी तरह पसीने की बूंदें हर पल झर रही हैं। जब मैं जीवन पथ पर चल रही थी तब उसमें केवल सन्नाटा ही छाया रहा, उसमें एकांत ही बना रहा, अकेलापन ही बना रहा। अगले पद में वे कहती हैं, मैंने श्रम पूर्वक जो सपना अपने लिए संजोया था और मैं उसके मोह पाश में पूरे जीवन भर पड़ी रही। आज चारों ओर घना जंगल दिखाई पड़ रहा है, मैं उसके पेड़ की छाया में एक थके हुए राहगीर की भांति जब पड़ी हुई हूं तब ऐसे में कौन आधी रात को गाया जाने वाला राग विहाग गा रहा है और उसकी तान मुझे सुना रहा है।
अगले पद में वे कहती हैं, मुझ पर सब लोगों की प्यासी आंखें लगी हुई थी, अपने को उन सब से बचाती हुई मैं न जाने कब से यहां से वहां भटक रही हूं। अरे ओ मेरी बावरी आशा, अब तू जीवन भर की सारी कमाई को ही मैंने गंवा दिया है। फिर वे कहती हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं तूफान भी मेरे जीवन रूपी रथ पर आरूढ़ होकर अपना रास्ता तय कर रहा था और मैंने अपने कमजोर पैरों की ताकत के भरोसे उससे आगे निकल जाने की ऐसी बाजी ठान रखी थी जिसे अंततः पराजित होना ही था। और इसके बाद देवसेना कहती हैं कि जीवन रूपी जो विरासत हे ईश्वर तुमने मुझे प्रदान की थी, अब इसे वापस ले लो, मेरा करुण हृदय हाहाकार कर रहा है, हे संसार यह थाती मैं संभाल नहीं पाऊंगी, इसी से मैंने अपने मन की लज्जा को भी खो दिया है। और अब काव्य सौंदर्य, तो पहला है यह एक गीतात्मक रचना है, इसमें गेयता का गुण है, इसे गाया जा सकता है। दूसरा, छल छल से संध्या के श्रम कण, यहां पर संध्या जीवन की अंतिम अवस्था का प्रतीक है तो प्रतीकात्मकता इसमें मौजूद है। तीसरा, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, इसमें उपमालंकार है। और चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, यहां रूपक अलंकार है। उससे हारी होड़ लगाई, इसमें दो चीजें हैं, एक मुहावरा हारी हुई बाजी लगाना और दूसरा इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। छठवां है गीत की भाषा में गीत तत्समता और प्रांजलता है। और अब आइए भाव सौंदर्य देख लेते हैं। कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के अंतः संबंधों को भी व्यक्त करती हुई चलती है। दूसरा है कि जीवन के कटु अनुभवों की इस गीत में अभिव्यक्ति हुई है। तीसरा है कि देवसेना में विपत्तियों से जूझने की भी आंतरिक इच्छा है। और अब इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, इस पंक्ति का भाव यह है कि देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करने लगती है, परंतु स्कंदगुप्त के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। इस सत्य को जानकर देवसेना को बहुत दुख होता है और वह स्कंदगुप्त से दूर चली जाती है। उन्हीं बीते पलों को याद करते हुए वह कह रही है कि मैंने जिन अभिलाषाओं को अपने लिए भिक्षा स्वरूप मांगा था, परंतु ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि उस भिक्षा को ही मुझे भिक्षा की तरह ही लुटा देना पड़ा। और प्रश्न दूसरा है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि जब मनुष्य के मन में आशाएं जाग उठती हैं, तब वह यह नहीं समझ पाता कि वे उम्मीदें संभव भी हैं अथवा नहीं। असंभव को भी पा लेने की इच्छा ही बावरेपन का अर्थात जुनून का स्वरूप पा लेता है। प्रश्न तीसरा है, मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई, इन पंक्तियों में दुर्बल पदबल और हारी होड़ में निहित व्यंजना को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, दुर्बल पदबल में निहित व्यंजना यह है कि स्त्री कोमल शरीर वाली होती है, इस पर वह तिरस्कार के दुख से पीड़ित भी हो तो उसे जीवन रूपी राह पर चलने के लिए जिन मजबूत पैरों की आवश्यकता होती है वे उसके पास नहीं होते, कमजोर हो जाते हैं, दृढ़ता मिट जाती है। इसी तरह होड़ लगाई पंक्ति में निहित व्यंजना यह है कि देवसेना जीवन में आए तूफानों के सामने अपने को कमजोर पाकर भी हार नहीं मानती और जो बाजी हारना ही है उस पर भी वह दांव लगा देती है।
असफलता मिलने के विश्वास पर भी वह हार नहीं मानती। और प्रश्न चौथा है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। का श्रमित स्वप्न की मधुमाया तान उठाई। इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य यह है कि इसमें स्मृति बिंब प्रस्तुत हुआ है। देवसेना ने स्कंद गुप्त का प्रेम पाने के लिए अथक प्रयास किया था, एक सपना देखा था। उस सपने में वह पूरी तरह से खो गई थी और उसे प्रतीत होता है जैसे कोई राहगीर किसी घने जंगल में थक कर जब पेड़ की छाया में सो गया हो, तब कोई आधी रात में गाया जाने वाला राग विहाग गाने लगा हो। खा लौटा लो लाज गंवाई। इसका काव्यांश सौंदर्य यह है कि देवसेना के लिए उसका जीवन ही एक भार बन चुका है। वह ईश्वर से अनुरोध करती है कि इस जीवन को वापस ले लो, इसके कारण मैंने मन की सारी लज्जा को ही खो दिया है। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। और आखिरी प्रश्न पांचवा, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है? उत्तर है, सम्राट स्कंदगुप्त से राजकुमारी देवसेना का असफल प्रेम ही उसके लिए घोर निराशा का कारण बन गया था। वह संसार में बंधु बांधवों रहित हो गई थी। पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और उसके भाई भी युद्ध में वीरगति पा चुके थे। वह भिक्षा मांगकर गुजारा कर रही थी। उसे अपने आशान्वित प्रेम का ही एकमात्र सहारा था, परंतु वह भी उसे नहीं मिला। देवसेना की हार या निराशा के यही कारण है। तो यह था जयशंकर प्रसाद जी की रचना देवसेना के गीत पर आधारित एपिसोड, जिसमें हमने गीत का शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर किए हैं। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार हम कार्नेलिया के गीत की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए विदा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।